इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये इसीलिए लगातार जो हमारे एक्सपर्ट्स भी थे वो ये कह रहे थे कि बदलाव के लिए पंजाब वोट करेगा, 10,000 वोटों से वो ट्रेल कर रहे हैं। सोचिए जरा 2014 सुधीर जी याद कीजिए, जब बीजेपी की, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की वेव थी तब वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए थे, सुपड़ा साफ हुआ था कांग्रेस पार्टी का कई जगह से, लेकिन आज वो ट्रेल कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज पंजाब की जो जनता है वो यहाँ पर देने की। एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम जी वो बहुत देर से बैठे हुए थे। शुक्ला जी, क्या हम ये कहें कि पंजाब में सारी जो मेन स्ट्रीम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो सोचती थी कि ये तो हमारा किंगडम है, उन सब ने मिलकर आम आदमी पार्टी को जिता दिया, आपने प्लेट में इस जीत को रखकर अरविंद केजरीवाल को परोस दिया है, सारी जो मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल पार्टियां थी, चाहे वो बीजेपी है, अकाली दल है, कांग्रेस है, आप समझ नहीं पाए पंजाब के लोगों को? देखिए, पंजाब में हमारा स्टेक इतना बड़ा नहीं था, और पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 60 से अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक सौहार्द के लिए वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल को समर्थन दे रखा था, और लोकसभा चुनाव में भी जब हमको ये सब सूचना थी कि शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ भयंकर जो है जन आक्रोश रहा, फिर भी हमने आपने की तरह आम आदमी पार्टी भी नई शुरुआत कर रही थी। आप, मैं मानता हूं आपने एक नई पार्टी की तरह शुरुआत की होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो ऐसे ही शुरुआत कर रही थी नई पार्टी की तरह। आम आदमी पार्टी का ये दूसरा बड़ा चुनाव था। आम आदमी पार्टी पिछली बार भी सत्ता में आने का दावा कर रही थी जब भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में कहीं नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी, जब आम आदमी पार्टी का आप देखेंगे, दिल्ली में कांग्रेस को उसने रिप्लेस किया, पंजाब में उसने कांग्रेस को रिप्लेस किया। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन होता है, जैसे गोवा में उन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया लेकिन गोवा में बिल्कुल नहीं चले, उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया बिल्कुल नहीं चले, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने तमाम प्रयास जो है उत्तर प्रदेश में भी किए लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चले वो। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने की राजनीति चल रही है, वहां पर बिल्कुल आम आदमी पार्टी आपका कमेंट चाहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उत्तराखंड के सिटिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के ट्रेंड्स के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी मेजोरिटी मार्क हासिल कर रही है, लेकिन बावजूद इसके पुष्कर सिंह धामी जो है वो पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत भी, ये एक और बड़ी खबर है, हरीश रावत भी 7,000 से ज्यादा वोट से पीछे है। तो एक तरफ लालकुआ सीट से हरीश रावत पीछे है, दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी भी पीछे है, और हम आपको लगातार ट्रेंड्स भी दिखा रहे हैं उत्तराखंड के कि किस तरह से बीजेपी जो है मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है। 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ट्रेंड्स के लिहाज से अगर बात की जाए, बार बार दोहराते हुए, फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, ट्रेंड्स हैं, हरीश रावत पीछे उत्तराखंड से अगर बड़ी स्टोरी की बात की जाए, बड़ी खबर की बात की जाए, और पुष्कर सिंह धामी भी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, उत्तराखंड में जनता ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने का संकेत दिया है, और हमें अपेक्षा है कि पुष्कर सिंह धामी भी जो है वो चुनाव जीतेंगे, और वहाँ जो एक परंपरा उत्तराखंड में बन गई है कि सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, उस परंपरा को तोड़ेंगे। देखिए, जो धामी जिस नाव में बैठे हैं वहाँ बहाव बहुत तेज है पानी का, और नाव उनकी डगमगा रही है। शुक्ला जी, ये मुझे अपेक्षा है कि वो नाव जो है नदी पार करने में सफल रहेंगे, वो तेज धार में भी उनकी नाव किनारे लग जाएगी। शुक्ला जी, एक और बड़ी बात यह है, अगर हम इसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है वहाँ बीजेपी आराम से, आसानी से कांग्रेस को हरा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दलों से लड़ाई है वहाँ बीजेपी को परेशानी हो रही है। और अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करके एक के बाद दूसरे राज्य में जा रही है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किल होंगी। इस, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस को तो हरा सकते हैं आसानी से, लेकिन आम आदमी पार्टी आपसे हार नहीं रही है, ना आपके पास उसका कोई दिल्ली में काट था, और हो सकता है आगे ना पंजाब में कोई काट होगा, और ये आपके लिए एक खतरे की घंटी है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात हम बगल में रखते हैं, समाजवादी पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी है, और समाजवादी पार्टी ने इस बार हर संभव प्रयास किया, तमाम तरह के गठबंधन किए, जाति गठबंधनों के माध्यम से चुनौती दी, लेकिन किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सारा इतिहास 1967 के बाद सिर्फ एक बार अपवाद 1985 का रहा है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति कारण
कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी, वहां कोई सरकार रिपीट नहीं। उस वक्त एक बड़ी खबर है, हरीश रावत जो थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे 7,000 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं लालकुआ सीट से, वो इस वक्त 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जरा सोचिए, हरीश रावत लगातार ये दावा कर रहे थे कि उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर मायूसी भरी। और इसके अलावा देखिए, खास बात इसमें यह है कि उत्तराखंड में दोनों उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री पद के हैं दोनों पीछे चल रहे हैं। ना लोगों ने धामी को वोट दिया और ना ही लोगों ने हरीश रावत को अभी तक दिया, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं। रुझान की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है ये आगे चलकर रिकवर कर लें, लेकिन तो भी अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो उसको एक राउंड में भी पीछे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो 10,000 सीटों से हरीश रावत पीछे है, लेकिन भगवंत मान एक बड़ी लीड के साथ है। और साथ ही आपको ये बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। क्योंकि अगर आप टैली देख रहे हो ऊपर, ट्रेंड्स की जो टैली है 395 सीट्स के लिए हम ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, 403 मेंबर की असेंबली है जिसमें से 258 सीट्स पर बीजेपी लीड लिए हुए है, रुझान बीजेपी के फेवर में है। 124 सीट्स पर समाजवादी पार्टी अलायंस, बहुजन समाज पार्टी 7 सीट्स पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 5 सीट्स पर लीड करते हुए बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हम लगातार जो सिटिंग सीएम्स हैं उनका ब्यौरा भी आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में ट्रेल कर रहे हैं, हरीश रावत जो उनके चैलेंजर थे वो वहां पर ट्रेल कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा वोटों से वो ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बड़ी स्टोरी पंजाब से, वो 26,000 वोटों से भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए तरफ से धूरी सीट से लीड कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।